हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है रितिक चौहान और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक सीएसई परस्यू कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताया था जो भी एडमिशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई ये जो गलती सब लोग कर रहे हैं ना, ये गलती आप ना करें, और अगर आप ये करने वाले थे तो बच जाएं, ठीक है। तो मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो नहीं देखते हैं, सीधा इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो भाई पूरी देखो तभी समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए थे, फिर भी आपने वीडियो पूरी देखी नहीं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे। भैया गलती ये कर रहे हैं बच्चे कि उनके परसेंटेज आए हैं कम और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन गलगोटिया क्या कर रहा है, ऑफर लेटर तो सबको दे दे रहा है, तो सबको लग रहा है सबका एडमिशन हो जाएगा, एंड वो लोग जल्दीबाजी में आके अपने सीट को रिजर्व कर ले रहे हैं, 25,000 पे कर दे रहे हैं। तो भाई ये गलती जिसने कर दी वो तो पछताएगा, लेकिन आपने अगर नहीं करी है तो आप बच सकते हैं, आप ये बिल्कुल ना करें। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं हैं तब तक कोई भी पेमेंट ना करें, और अगर जिन्होंने पेमेंट कर दी अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो वो सिविल ले लें या मैकेनिकल ले लें या तो इलेक्ट्रिकल ले लें, क्योंकि सीएसई तो कभी गलगोटिया देगा नहीं बिना डोनेशन के, और डोनेशन देना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है भाई। इतने ज़्यादा बच्चे हैं सीएसई में कि प्लेसमेंट तो मान लो कि कुछ की ही लगेगी, सब सुनते ही इतना बेरोजगारी है उसमें, अब सारे ही सीएसई के प्लेसमेंट लग जाएंगे तो कैसे चलेगा। यही द शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो का बस एक ही मकसद है भाई, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से तुम्हारे परसेंटेज कम है और गलती से तुम्हें गलगोटिया ऑफर लेटर दे दे रहा है, तो ये मत समझो कि वो तुम्हें ऑफर दे रहा है, इट्स अ बिजनेस, वो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा रहा है और 25,000 अपने अंदर कर लेगा, और उस ऑफर लेटर में प्रॉपरली लिखा ये 25,000 कभी रिफंड नहीं होंगे और गलगोटिया आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल कर सकता है। एंड रीजन यही होगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं हैं, ओके। तो ये जरूर चेक कर लेना भाई, और अगर तुमने पेमेंट कर दिया है तो अब या तो सिविल कर लो, मैकेनिकल कर लो, या तो इलेक्ट्रिकल कर लो, या तो 25,000 वो तुम्हारे गए बर्बाद। और हाँ भाई, ये जो इंस्टाग्राम पे आके तुम मुझसे कह रहे हो ना कि अरे यार कुछ ले दे के कर लो, तो मैं यहाँ कोई दलाली करने नहीं बैठा हूँ, मैं जो है ऑनेस्ट व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा ये सवाल मत करना कि भाई थोड़े पैसे ले लो और एडमिशन करा दो, मैं यहाँ कोई दलाली नहीं करता हूँ, ओके।